नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहां शीत ऋतु में शून्य से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मान सरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का। धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए।